सौ दिन याद कीजिए जब आपको बड़े शहरों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों काम के लिए गए लोगों की चिंता करनी पड़ती थी। आए दिन ट्रेनों में धमाका, बाजारों में धमाका, पूजा स्थलों पे धमाका, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था कि बम धमाके की खबरें न आती हो, निर्दोष लोग मारे न जाते हो। बीते पांच वर्ष में इन सब पर लगाम लग गई है, लगी है कि नहीं लगी है? ये लगाम किसने लगाई, ये किसने किया, किसने किया, किसने किया? ये बम धमाकों पर लगाम किसने लगाई? मोदी ने नहीं लगाई। ये आपका जवाब गलत है। ये जो हुआ है वो आपके एक वोट की ताकत है, आपके वोट ने किया, आपके वोट की ताकत है कि सुरक्षा एजेंसियां आपकी सुरक्षा के लिए आज चौकन्ने होकर के काम कर रही है। मोदी ने तो उनको आदेश दिया है कि मेरे लिए अब सेना के हाथ बांधे नहीं जाएंगे। साथियों, आपने जो मजबूत सरकार बनाई है उसने ये स्पष्ट संदेश दुनिया को दिया है कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। हम पर जो बुरी नजर डालेगा उस पर उतनी ही सख्ती से वार किया जाएगा। आतंकी हो या फिर आतंक के मददगार, घर में घुसकर मारा जाएगा। और अगर वो गोली चलाएंगे तो मोदी गोला चलाएगा। हमें शांति चाहिए, हमें गरीब का भला करना है। ये हमें इस प्रकार से हमारे जवानों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देनी है। और जहां होगा पाताल में होगा तो भी छोड़ने वाले नहीं है जी। भाई और बहनों, आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमारी नीति बहुत साफ है। इसलिए हमारी नीति और रणनीति का दम आज पूरी दुनिया देख रही है। वहीं कांग्रेस आरजेडी की महामिलावट की नीति क्या है उनको खुद को पता नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। साथियों, कांग्रेस के ढकोसला पत्र में इनके इरादे साफ झलकते हैं। इन्होंने क्या लिखा है अपने मैनिफेस्टो में, उन्होंने ढकोसला पत्र में जो लिखा है आप हैरान हो जाओगे, जिसके लिए 70 साल से देश के जवान अपना खून बहा रहे हैं, माइनस टेम्परेचर में जिंदगी गुजार रहे हैं, अनेक माताओं ने अपने लाडले खोए हैं। और आज 70 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने ढकोसला पत्र में क्या लिखा है, खून गर्म हो जाता है दोस्तों, सुनता हूं तो गुस्सा आता है, मन में बेचैनी होती है कि 70 साल तक राज करने वाली पार्टी इतनी नीचे गिर गई। उन्होंने लिखा है और वो जो लिखा है पाकिस्तान वही बोलता है। आप कोई भी पाकिस्तान के नेता के पिछले 50 साल के बयान निकालो, यही बोलता है। इन्होंने क्या लिखा है, ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो सेना को कम कर देंगे। क्या होगा भाई, इन्होंने कहा है कि हमारे जवानों को जो विशेष अधिकार मिला है जिसके कारण हमारे सुरक्षा बल उनको सुरक्षा मिलती है उसको भी खत्म कर देंगे और
उसके कारण पत्थरबाजों को, आतंकियों को जो चाहे वो कर सकते हैं। सेना का जवान कुछ करेगा तो जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा। भाइयों बहनों, ये लोग अलगाववादियों, नक्सलवादियों के समर्थकों को जो देशद्रोह का कानून है उससे भी उनको आजादी दिलाना चाहते हैं। ये देश पे जवानों पे गोलियां चलाने वालों को आजादी मिलनी चाहिए क्या? मिलनी चाहिए क्या? ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये कानून हटाना चाहते हैं, ये उन्होंने लिखित में कहा है। साथियों, जात पात का जहर घोलकर नामपंथी और दामपंथी देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों के साथ खड़े हैं।